स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह मिजर और आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमारे पास तो आज हमारे पास न्यूमेरिकलों के ध्यान से करना, तो प्रॉपर हम जहां पर जो सीक्वेंस है उसे को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि प्यारी सी स्माइल करें। और लेट्स सी व्हाट इज द टुडे टॉपिक हमारे पास। ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंसी। मैंने आपके सामने पाँच क्वेश्चन रखे हैं, उन्होंने क्या पूछा हमें से उसे ध्यान से करना। ये वन मार्क के लिए ही होगा, मतलब इसके अंदर और भी आएंगे लेकिन हमें अभी वन मार्क के लिए करना है। ठीक है, उन्होंने पूछा हाउ मेनी सॉल्यूशन, उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, व्हाट आर दी सॉल्यूशंस नहीं है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंस। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना बेटा, मान लो हम पहले वाले को सॉल्व करें कि हमारे पास गिवन क्या है, 15x है, कॉन्ग्रेंट 25 है, मॉडुलो हमारे पास कितना है 35 है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 15 है, बी हमारा 25 है और एम हमारे पास कितना है 35 है। किसके साथ कंपेयर करना, ए एक्स कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम, हमने कल लास्ट पार्ट के अंदर थ्योरम्स करी थी उसके साथ हमने इसको करा था। आपके पास कोई भी कॉन्ग्रेंस है उसका सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास ए और एम का जो जीसीडी है वो बी को डिवाइड करता है। और कितने इनकॉन्ग्रेंट आते हैं, जितना वो डी होता है उतने ही इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन आते हैं, वही हम जहाँ से फाइंड करेंगे। अब आप ध्यान से देखना, जहाँ पर आपके पास ए और एम का जीसीडी कितना है इस केस के अंदर 15 और 35, अरे वाह, ये दोनों तो 5 के साथ आ जाएंगे। एंड साथ में आप यदि बात करो, आप देखो क्या आपके पास, दिस इज अवर डी। ठीक है, तो डी हमारा 5 आ चुका है एंड हमारे पास जो 5 नंबर है वो डिवाइड करता है आपके बी नंबर को 25 को। ठीक है, दैट इज हमारा जो डी है वो डिवाइड करता है बी। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास ये जो कॉन्ग्रेंस है, देयर आर आपके पास कितने डी इन कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन होंगे, भी डी कितना 5, तो देयर आर हमारे पास 5 इन कॉन्ग्रेंट, तो हमारे पास 5 इन कॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऑफ गिवन कॉन्ग्रेंस, ऑफ किसके 15x कॉन्ग्रेंट 25 मॉडुलो 35 के हमारे पास 5 सॉल्यूशंस होंगे, इन कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे 5 इन कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस। तो इतना आप इसको पॉज करो, लिखो। तो अब आपने यहां पर भी सेम करना है, 15 और 35 का जो जीसीडी है वो हमारे पास 5 है, लेकिन जहां पर 5 आपका नहीं डिवाइड कर रहा 24 को, इट डज नॉट डिवाइड 24, मीन डी नहीं डिवाइड कर रहा आपके पास बी को, सो इट हैज नो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन। तो सिंपल बोलेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या है, जीसीडी तो 5 है और वो 0 को भी डिवाइड करता है, तो आपके पास 5 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन हो गए। जहां पर 5 एंड 7 का जीसीडी 1 है और 1 3 को डिवाइड करता है, तो 1 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होगा। 20x जो हमारे पास है कॉन्ग्रेंट 4 है और इसके अंदर 20 और जो 10 का जीसीडी है वो 10 आ जाएगा एंड 10 आपका 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मीनिंग इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इनकॉन्ग्रेंट। तो ये आपने अपने खुद से कर लेने हैं। तो एक बार इनको इतना करें, हम नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल करेंगे। और एक चीज होमवर्क के अंदर और करना, ये जो 5 आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनका सॉल्यूशन आ रहा है, आपने उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। लेकिन कैसे फाइंड करने हैं, एक पहले एक नेक्स्ट एग्जांपल देखना जिसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे, फिर उसी एग्जाम्पल की हेल्प के साथ आपने इन सभी को अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी पर करना और मेरे को बताना है कि क्या आप इनके सोल्यूशन फाइंड कर पाए हैं या नहीं फाइंड कर पाए। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो, फिर हम नेक्स्ट इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, आज हम इस एग्जाम्पल को पूरा डिटेल के अंदर करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, आर यू रेडी, यदि रेडी है तो जहाँ पर आप देखना ध्यान से। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है कि हमें गिवन है 17x कॉन्ग्रेंट 9 मॉडुलो 276। देखो बच्चा, एक एग्जांपल काफ़ी होती है इसको पूरे का पूरा समझने के लिए। तो देयरफॉर आपके पास ए कितना है बेटा जी 17 है, बी कितना है 9 एंड डी कितना आपके पास, सॉरी डी नहीं, एम कितना हमारे पास, एम इज इक्वल टू 276। तो आपने क्या करना, आपने डी फाइंड करना है जो कि ए और बी का जिस एम का जीसीडी होता है। 17 और 276 का जीसीडी कितना आएगा आपके पास, इसे आपने ध्यान से करना है। तो जा तो जीसीडी आपका 1 आएगा, अदरवाइज 17, बिकॉज 17 कैसा है, प्राइम नंबर है। जा तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अदरवाइज सिर्फ 17 ही इसके अंदर कॉमन होगा। तो इसको एक बार श्योर कर लेते हैं, हमारे पास क्या 276 को 17 डिवाइड करता है, तो कैसे श्योर करेंगे, तो हम जहां पर 17 के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपने जब भी जीसीडी फाइंड करना होता है तो आपको याद होगा जिसे हम बोलते थे डिवीजन एल्गोरिथम, आई थिंक डिवीजन एल्गोरिथम बोलते थे, इक्लूडियन
पता नहीं क्या बोलते थे, मेरे को याद भूल गया, तो आपने उस मेथड के साथ करना है। क्या बात है, माइंड। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे 17, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यदि आप इसको करते हो 6 के ऊपर तो 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा 6 के साथ करते हो 6 7 42, तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा कैरी एंड 6 4 10, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास 6 के ऊपर करने पर आपका इतना आ जाएगा, बिकॉज 17 × 5 = 85 होते हैं प्लस 92 = 105, तो माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। अब जो रिमाइंडर 4 बचा, इस रिमाइंडर के साथ 17 को आप ऐसे करते थे ना, इक्लूडियन, हाँ जाए, इसको इक्लूडियन डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, जो हम 9th में करते हैं आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, या फिर 10th में करते हैं, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर बाय इक्लूडियन डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो वहीं पर वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले करा था कॉन्ग्रेसी चैप्टर के अंदर, जब हम रिमाइंडर फाइंड करते थे आई थिंक। ठीक है, तो जहाँ पर आप फिर से करो, तो जहाँ पर आप 4 पर जाएंगे 16 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, फिर उस रिमाइंडर के साथ 4 को डिवाइड करें तो आपका 4 पर जाने पर आंसर 0 आ जाएगा। जो लास्ट आपका डिवाइजर होता वही हमारा क्या होता है, जीसीडी होता, वही हमारा एचसीएफ होता, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। एंड हमारे पास जो 1 है बेटा जी, वो डिवाइड करता आपके 9 को, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है 17x हमारे पास है, देयरफॉर 17x कॉन्ग्रेंट 9 मॉड्यूलो 276 has, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 आ रहा है हमारे पास, has exactly आपके पास 1 जहां पर incongruent सॉल्यूशन होगा, 1 incongruent सॉल्यूशन मॉड्यूलो आपके पास, जो मॉड्यूलो के ऊपर काम करें वो कौन सा है 276। ठीक है, अब फाइंड कैसे करना वो देखिए ध्यान से। ठीक है, अब फाइंड कैसे करना, तो फाइंड करने के लिए मैंने आपने क्या करना है, आपने जो आपका नंबर 1 है उसको आप लिखना स्टार्ट करें कि राइट द जीसीडी एज अ कॉमन, सॉरी राइट द जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जीसीडी को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर हम इसी प्रकार से करते थे, इक्लूडियन डिवीजन एल्गोरिथम लगाते थे, फिर वहीं से स्टार्ट करते थे हर एक स्टेप के ऊपर। तो कैसे करेंगे हम जहाँ पर, तो इसी को रफ आइडिया लगाते हैं हमारे पास, जहाँ पर इसको लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हमारे पास इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, इक्लूडियन डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ ठीक है, तो देयरफॉर वाई इक्लूडियन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर। ठीक है, या स्पेलिंग सही है इसके इक्लूडियन। तो अब क्या से लिखते हैं, जो हमारा सबसे पहला नंबर होता है 276 किसके साथ डिवाइड करा है 17 के साथ, क्वेश्चन कितना था 16, ये हमारा क्वेश्चन था ओवरऑल, और इसका रिमाइंडर ये था 4। ठीक है, ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास 4 था, फिर किसको डिवाइड करा 17 को, किसके साथ करा भाई साहब 4 के साथ, क्वेश्चन कितना था हमारा 4, रिमाइंडर कितना आया था 1, लास्ट किसको डिवाइड करा 4 को, किसके साथ करा 1 के साथ, क्वेश्चन कितना था 4 था, प्लस रिमाइंडर कितना था 0, तो ये जो आपका 1 बचा ये हमारा क्या था जीसीडी, तो दिस इज अवर जीसीडी, तो इतना तो हमने कर लिया। तो फिर हम क्या करते थे, हम उस जीसीडी को बैक सब्सटीट्यूट करते थे, जहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालो फिर उसके अंदर 4 की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो अब मेरे को ये तो नहीं चाहिएगा, इसको रेज कर देते हैं, बहुत आसानी से इसको करने वाले हैं, लेकिन मैं एक के अंदर पूरी की पूरी जान हम लगा देंगे सो दैट हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जहाँ से वैल्यू निकालो 1 की, आपको याद आ जाएगा सारे का सारा, अदरवाइज आप उस लेक्चर के अंदर जाके उसको देख सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 17 माइनस ये कितना है 4 × 4 है, एक 4 को एज इट रख लो, एक 4 को इस प्रकार से देखो। अब क्या करो, इस 4 की वैल्यू को पुट कर दो वापस, तो हमारे पास क्या होगा 1 एज इट, 17 एज इट माइनस 4, और इसकी वैल्यू हमने 4 की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी आएगी ऊपर वाले स्टेप से, जहाँ पर माइनस कर दो 276 और माइनस हमारे पास 16 × 17 आ जाएगा। यदि आप इसको देखेंगे ओपन करके तो आपके पास −4 × 276 और माइनस माइनस प्लस, आपके पास 4 को 16 के साथ करना तो 64 × 17 आ जाएगा, तो दिस इज 1 = जे 75 है, तो ये ओवरऑल कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम यहाँ पर है, 64 टाइम यहाँ पर, तो ये 65 टाइम्स हमारे पास 17 आ रहा है, −4 टाइम्स हमारे पास 276 है। तो आपको ये फाइनल दो नंबर जहाँ पर हाईलाइट करने हैं जिनका जिसे भी हमने फाइंड करा है 1, तो दिस इज द एक्स एंड वाई।
तो जब हम लिखते हैं ना कि आप इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो और फाइंड एक्स और वाई, तो ये क्वेश्चन वहीं से आगे चलेगा। तो इसका मीनिंग प्रीवियस नॉलेज चाहिए, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। इसका मीनिंग इसकी एक तरफ मेरे को 17 चाहिए, तो आप क्या करो 17 वाले पार्ट को इस प्रकार से रहने दो 65 × 17, और इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 1 + 4 × 276 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मंडूलो 276 से डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड करना, ये हमारा जहाँ पर टारगेट होगा। ठीक है, हमें क्या करना है 276 से डिवाइड करना। यदि आप वैसा करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना, 17 को एज इट रखना है तो आपका 65 × 17, या फिर आप इसी प्रकार से लिख लो 17 को आगे लिख लो × 65। अब आपकी कॉन्ग्रेंसी चलेगी यहाँ पर, ठीक है, और 1 आपके पास है प्लस 4 × 276, आप इसके ऊपर मंडूलो लगा दो 276। यहाँ पर 70 × 65 75 70, तो आपने रखना ही रखना है। 65 आपका भी एक्स दिखाई दे रहा है लेकिन ये है नहीं है, वो भी समझेंगे कैसे। अब देखिए 1 को यदि आप डिवाइड करते तो 1 तो इससे छोटा है, तो इसका रिमाइंडर तो इटसेल्फ रहेगा। लेकिन जब आप इस फैक्टर को देखें ध्यान से, इस फैक्टर के अंदर 276 आपको दिखाई दे रहा है। आप बाहर सुनना थोड़ा सा, ये लोग जो है ना सारा दिन आते रहते हैं, सारा दिन मतलब ऐसा ही चलता रहता, मतलब आप कोई भी काम ऐसे नहीं कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ घर पर काम कर सकते हो। आजकल इनका रिवाज हो चुका है, बड़े बड़े से स्पीकर लगाए हुए इन्होंने और ऐसे डिस्टर्ब करते हैं हमें। चलो चला गया काफ़ी दूर। तो मैं क्या बता रहा था कि हमने 276 के साथ हर एक नंबर को डिवाइड करना होता, इसको नहीं करें बिकॉज 17 मेरे को एज इट चाहिए, तो ये नंबर जो मेरा एक्स हो सकता है। तो कॉन्ग्रेंसी 1 तो आपका 276 से छोटा है, तो जितने नंबर 276 से छोटे होंगे वो एज इट रेजिड्यू हमें देंगे। लेकिन जब इस फैक्टर को करेंगे तो 276 है तो 276 इसको डिवाइड कर देगा, तो जो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा तो इसका रेजिड्यू कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, मीन प्लस 0। आप इसको मंडूलो 276 लिख सकते हो। देखो हर एक स्टेप इसको पॉज करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 17 × 65 कॉन्ग्रेंट 1 मंडूलो आपके पास 276। लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड दिस आंसर, रीजन बिहाइंड दैट हमारी इक्वेशन नहीं फॉर्म हो रही, हमें तो जहां पर 9 चाहिए लेकिन यहां पर तो 1 बन रहा है। तो अब क्या करना है, सिंपल है, हमें जब ए कॉन्ग्रेंट बी होता है तो आप किसी भी सी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुनना, ए कॉन्ग्रेंट बी मंडूलो एम है तो आप इसको भी सी से और इसको भी सी से मल्टीप्लाई करो, आपका कॉन्ग्रेंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने 17 को खराब नहीं होने देना, आपने 65 के साथ 9 लगा देना। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास कॉन्ग्रेंसी 9 आ जाएगी तो मंडूलो आपका कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, अब जहां पर आपके पास एक्स है, जहां पर आपके पास ये नंबर है, तो हमें तो x ही चाहिए होती। तो पहले इतना कर लो बेटा जी, तो मैं इसे रेज कर देता हूँ, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज आपकी बुक के अंदर भी होगा। ठीक है, जिस स्टेप आपके पास एग्जैक्टली 1 आएगा, हमारे पास इनकॉन्ग्रेंट और नहीं आएगा। ओके, बिकॉज कल हमने थ्योरम करी थी, उसके थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने जहां पर इसके कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, क्या करना है आपने, अब आपका जो नंबर है ना, ये आप x की प्लेस पर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, तो देखो आपके पास जो x है वो कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो इसके साथ कॉन्ग्रेंसी में आएगा। आप x की कौन सी वैल्यू लेंगे जो जहां पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये दोनों नंबर आपके कॉन्ग्रेंसी में चलेंगे। सो x इज कॉन्ग्रेंट 65 × 9 मंडूलो हमारे पास 276 होगा, और आप इसको लिख सकते हो x कॉन्ग्रेंट आपके पास यदि मल्टीप्लाई करते हो बेटा जी कितना बनता है, जहां पर आपके पास 45 आ जाएगा एंड आपके पास 54, तो ये आपका 58 कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर तो इससे बड़ा है काफ़ी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, जहाँ पर हल्का सा 276 से डिवाइड करते हैं 585 को। क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देख लेते, देखने में क्या हर जाता है। ये एक तरह से हमारा 600 के पास है, ओनली 15 कम है, तो ये 300 से बहुत कम है, तो 2 पर आप जा सकते हो। तो जहाँ पर 12 आ जाएगा 14, 5 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका 3 आ जाएगा 3, तो आपका 33 बन जाएगा। मीन यदि आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 33। तो आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज एक्स कॉन्ग्रेंट 33 मंडूलो आपके पास 276 होगा।
तो देयरफॉर दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. तो देयरफॉर आप लिख सकते हो एक्स कॉन्ग्रेंट 33 मॉडुलो आपके पास जो भी है 276 इज द ओनली इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन, इज ओनली इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन, इज कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस आपके पास होगा, इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशंस ऑफ नंबर वन, अभी ऑफ वन, ठीक है, ऑफ वन मॉडुलो 276 जो भी आपके पास लिखना चाहते हो लिख दो. अभी वेट करना, ये तो इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मतलब अपने आप में एक ही है, कोई ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और सॉल्यूशन. अब इसका सॉल्यूशन एक नहीं है, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे इनफाइनाइट है, लेकिन वो सारे आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए. लाइक जैसे मैंने लिखा कि एक्स कॉन्ग्रेंट हमारे पास ये हो गया 33, तो यदि मैं इसको एक्स वन मार कर लेता हूँ बेटा जी, तो मेरे पास यदि एक्स वन 33 है तो आपके पास और भी सॉल्यूशन होंगे. किस प्रकार के वो होंगे, एक्स वन प्लस के इंटू एम टाइप होंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है इस प्रकार से, और m आपका कितना है 276, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन ये सारे के सारे सॉल्यूशन कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे इस नंबर के, ठीक है. तो आपके पास कॉन्ग्रेंट तो बहुत सारे होंगे लेकिन कोई और कैटेगरी का नहीं होगा, मीन जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे 33 की कॉन्ग्रेंस क्लास को ही बिलोंग करेंगे. तो वो भी एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशन 33 की कॉन्ग्रेंस क्लास को ही बिलोंग करेंगे, और वो आप कैसे फाइंड करते हो, वो एक सिंपल सा मेथड है. यदि हम इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन फाइंड करें तो मैं ई की कॉन्ग्रेंट क्लास लिख देता हूँ, जिसको हम रेजिड्यू क्लास लिखते हैं या फिर कॉन्ग्रेंट क्लास, किस प्रकार से आएंगी, उसके अंदर आपको 33 तो दिखाई देगा, उसके अंदर आपने एम को ऐड करना, जस्ट आप एम को ऐड करें 276 को, जैसे आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपका जहाँ पर 9 हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगी, और जहाँ पर आपका 3 होगा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा. इसके अंदर फिर से आपने 276 को ऐड कर देना, इसी प्रकार से इसके अंदर से माइनस करते चले जाएगा, वो जितने भी नंबर आएंगे इनफाइनाइट, वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है. बट वो सारे के सारे क्या है, कॉन्ग्रेंट टू 33 है, कोई और क्लास हमारे पास नहीं आएगी. सो दिस इज द फुलेस्ट नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है. यदि आप इसको फुली देखना चाहते हैं तो ये हमारा फुल आंसर होगा, ठीक है. तो आज के लिए ये पहली एग्जांपल थी, शायद आपको समझ में आ गई होगी, आइडिया हो गया होगा कैसे करना. एक और एग्जांपल जहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है. तो दो एग्जांपल के साथ फुल क्लैरिटी होगी, देन आपका होमवर्क हो जाएगा. हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, सिंपल सॉल्व करने को बोला तो फास्ट मैं आपके लिए स्टेप कर दूंगा, आपने बस आइडिया लेना है कहाँ कैसे करें हम, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास ए कितना है बेटा जी, 5 है, बी हमारा कितना है 2 है, और एम हमारा कितना है 26 है. तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी फाइंड करनी है ए कॉमा एम, जो कि आपके पास 5,26 आ जाएगा. अब इन दोनों का जीसीडी तो आपके पास 1 है, आपको क्लियर है, एंड आपके पास क्या है, जो आपका 1 है वो डिवाइड कर रहा है, एंड आपके पास 1 डिवाइड करता है 2 को, दैट इज डी डिवाइड कर रहा है आपके पास भी. तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, हम इसको इक्वेशन लिखते हैं, तो देयरफॉर देयर इज एग्जैक्टली 1, यस, देयरफॉर देयर इज एग्जैक्टली वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, एग्जैक्टली आपके पास डी इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे, एंड डी कितना है 1, तो 1 इनकॉन्ग्रेंट आपके पास सॉल्यूशन होगा. इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन किस प्रकार से, मॉडुलो आपके पास कितनी है, मॉडुलो कितना है 26, तो ये आपका एक स्टेप हो जाएगा, ठीक है. अब आपने सॉल्यूशन फाइंड करना, तो आपको वो रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आप उससे हेल्प लेंगे किससे, कि आपने इस जीसीडी को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 26. तो उसके लिए आप यहाँ पर यूक्लिडियन डिवीजन लगा सकते हो, ये एक स्टेप का ही होगा आपके पास. 26 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 5 को करेंगे 5 पर, तो जहाँ पर 0 आ जाएगा. तो दिस इज द ओनली वन स्टेप. तो क्या लिखेंगे, y Euclidean algorithm, by Euclidean algorithm, ठीक है. हमारे पास क्या है कि हम लिख सकते हैं 26 को 5 से डिवाइड करा, जहां पर 26 है, क्वेश्चन भी 5 था लेकिन रिमाइंडर हमारा 1 था, एंड नेक्स्ट टाइम हमने 5 को डिवाइड करा 1 के साथ, हमारा क्वेश्चन कितना 5 था लेकिन रिमाइंडर 0 था, तो दिस 1 इज जीसीडी, ओके. तो हमारे पास जहां से क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर 1 कैन बी रिटन एज 26 माइनस 5 इंटू 5. तो सिंपल हमने 1 को लिख दिया इस प्रकार से. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 5 एक तरफ चाहिए, तो आप पॉजिटिव वाले 5 को एक तरफ लेकर जाओ, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 26 माइनस 1 आ जाएगा, इतना हो गया. लेकिन हमें जो चाहिए बेटा वो हमारे पास क्या है, वो ध्यान से देखते हैं.
हमें जो चाहिए वो क्या है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है जहाँ पर 5 आपका आ चुका है, तो इसका मीनिंग इसको आप x की तरह देख सकते हो। जो आपका 26 माइनस 1 ठीक है, तो आप जस्ट 26 से डिवाइड कर दो, इसके ऊपर मॉड्यूलो लगा दो, तो आपका 5 × 5 रहेगा इज इक्वल टू 26 माइनस 1। तो इसके अंदर जैसे मॉड्यूलो लगाएंगे तो जहाँ पर आपके पास कॉन्ग्रेंसी का साइन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, एक चीज देखिए, हम कैसे कॉन्ग्रेंसी में लिख रहे हैं। अब इसका आंसर इसके इक्वल है, ये दोनों यदि इक्वल है तो आपके पास, यदि दोनों इक्वल है तो आप इनको कॉन्ग्रेंसी के अंदर डाल सकते हो, बिकॉज एक तरह से जो दोनों नंबर तो सेम है। थोड़ा सा ध्यान से करना, मेरे पास इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, मान लो मेरे पास है 2 इज इक्वल टू 2, रिप्रेजेंट जे 25 है, जे भी 25 लिखा थोड़ा अलग वे में है, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, और मुझे पता है कि जो मेरा नंबर है आपका m, कोई भी आप जहाँ पर डिस्कस कर लो, m है वो 0 को ऑलवेज डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, 0 को डिवाइड करता है, और यदि आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, मीन यदि आप इसको जहाँ पर लेकर आएंगे तो 2 माइनस 2 आपका 0 होगा। m तो 0 को डिवाइड करेगा ही करेगा, इसका मीनिंग m आपका डिवाइड करेगा, 0 की वैल्यू पुट करो 2 माइनस 2, इसका मीनिंग 2 आपका कॉन्ग्रेंट 2 होगा मॉड्यूलो m। तो जिस स्टेप इस प्रकार से आता है, ध्यान से रखना, इसके बाद हम कैसे ऐसे लिख देते हैं कि 26 से डिवाइड करा जो दोनों कॉन्ग्रेंट, या कि कैसे क्वालिटी का साइन कॉन्ग्रेंसी के साइन के अंदर चेंज करता है, कभी सोचा नहीं, जस्ट बोल दिया सर ने तो आपने मान लिया। मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बोला था कि हम ऐसे करते हैं, मैंने लॉजिक नहीं दिया था, लेकिन अब भी यदि मैं लॉजिक नहीं देता तो शायद आप उसके ऊपर माइंड नहीं लगाते। कितने बच्चे जिन्होंने सोचा माइंड के अंदर कि इस प्रकार से ये चीज़ आती है, तो यदि आपने सोचा तो आपके लिए गुड लक, यदि आपने नहीं सोचा तो फिर भी आपके लिए गुड लक कि अब आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, हर एक के स्टेप के अंदर पीछे लॉजिक है, सिंपल सी बात है। जैसे आपकी प्यार सी स्माइल के पीछे लॉजिक है ना, तो स्माइल के पीछे कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए दूसरों को खुश करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इस प्रकार से लिख दिया इसको, तो आप जिधर 25 बन रहा है तो ये तो एज इट ही रहेगा 26 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इसके ऊपर तो कोई भी हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। J5 को इसलिए प्रकार से लिखता हूँ, और इस 5 को मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा x है। अब कॉन्ग्रेंसी है, 26 को 26 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 0 होता है, आ जाएगा 1 आपका जो छोटा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये चलेगा। ओके, तो ये हमारा 5 × 5 रहेगा, कॉन्ग्रेंट -1, मंडूलो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बिकॉज ये 25 बन रहा है, ये इधर आके प्लस होगा 26, तो हमारा सही चल रहा है। लेकिन हम इसको आंसर नहीं मान सकते, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। अब एक चीज़ और देखो, सबसे पहले हमें जहाँ पर प्लस का 2 चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपका माइनस का 2 शो हो रहा, तो उसको कैसे हटाएं। सिंपल सा नंबर है, इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ। कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, ए कॉन्ग्रेंट बी, यदि आपके पास मॉड्यूलो एम है तो आप किसी भी नंबर सी से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस मॉड्यूलो को, ये हम जहाँ पर यूज़ करेंगे। इस पर C को आपने -1 ले लेना है, तो आप क्या करो, जहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी जैसे करेंगे तो जो प्लस का 1 हो जाएगा, तो जो स्टेप आपका जहाँ से निकल कर आएगा सामने। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक करते हैं, विजिबल है, यस आई थिंक विजिबल तो होगा। उसके बाद क्या बन जाएगा आपके पास, अब हमें जहाँ पर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई फिर से कर दो, मीन आप पहले -2 से मल्टीप्लाई कर देते एक ही बात थी, तो मैंने दो बार करवा दिया, तो जहाँ पर 2 से करा तो ये -10 हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट 2, मंडूलो आपके पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इतना हो गया, इसका मीनिंग x हमारे पास कितना शो रहा, -10, तो देयरफॉर हम लास्ट लाइन कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर x इज कॉन्ग्रेंट टू, हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं आपस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। जे कॉन्ग्रेंट दिस है, मंडूलो 26 है, सब कुछ सेम है, तो ये नंबर आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। तो देयरफॉर x कॉन्ग्रेंट टू -10, मंडूलो आपके पास 26 होगा। आप बोलोंगे कि सर हमारा रेजिड्यू तो नेगेटिव में आ गया, कोई बात नहीं, 26 को जस्ट ऐड कर दो, पॉजिटिव में आ जाएगा। जब भी आपके पास नेगेटिव आए तो आप वहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस प्रकार से कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्विस्ट दिखाता हूं आपको, वापस आइएगा। क्या आप लिख सकते हो एक्स 16 कॉन्ग्रेंट -10 मॉड्यूलो 26, यदि लिख सकते हो तो से यस। क्या आप लिख सकते हो कि हमारे पास x कॉन्ग्रेंट -10 तो था, ठीक है, क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ कॉन्ग्रेंट -10 मॉड्यूलो, बिकॉज जहाँ पर आके ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन, पहले इसको रेज कर दो, ठीक है, यहाँ पर पॉज कर लो आप, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो, ठीक है।
तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है तो कांग्रेस के अंदर तो बहुत आसान आसान सी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अब जे नंबर इसके कॉन्ग्रेंट है, जे नंबर भी इसके कॉन्ग्रेंट है, मॉड्यूलो 26 मॉड्यूलो 26 तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये दोनों भी आपस में, बिकॉज इसे डिवाइड कर रहे हो, रेजिड्यू जे भी सेम दे रहा है और जे नंबर है इसका रेजिड्यू भी सेम दे रहा है, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। आपस में इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो भी सकते लेकिन आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसके बहुत सारी चॉइसिस है, बिकॉज ये कौन सा फिक्स है, तो देयरफॉर आपके पास एक्स कॉन्ग्रेंट 16 मॉड्यूलो 26 आ जाएगा। हमने बोला था एक ही सोल्यूशन आएगा एंड दैट सोल्यूशन वन सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस, तो ये इसका एक कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड इनकॉन्ग्रेंट इसको बोल सकते हो, इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बाकी के सोल्यूशन भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 16 प्लस, आप लिख दो 16 प्लस k इंटू, यहाँ पर 26 कर दो, 26 का मल्टीपल 26 इंटू k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर r, ये भी सोल्यूशन है, आर ऑल कॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस। तो आप जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका, यदि आप पहली बात करते हो तो आपका 42 आ जाएगा, तो 42 भी आपका सेम रिमाइंडर देगा। जैसे मैंने बोला था ना 16 भी हमारे x का रिमाइंडर, अभी हमारे पास कितना रेजिड्यू आ रहा है 16 आ रहा है, तो 42 का भी सेम आएगा, तो 42 भी आप लिख सकते हो। जहाँ पर आप 16 ले लो, 42 ले लो, कुछ भी लो, सारे के सारे ये नंबर जहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे एक ही कॉन्ग्रेंस क्लास को बिलोंग करेंगे। और किसकी कॉन्ग्रेंस क्लास, हम 16 की कॉन्ग्रेंस क्लास ले सकते हैं, बिकॉज ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव रेजिड्यू है, सबसे छोटा और पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव तो बहुत सारे आ जाएंगे, सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू है। तो यदि आप इसकी रेजिड्यू क्लास में लाना चाहते हो, वो आपकी बुक में होता नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 16 आ जाएगा, फिर इसके अंदर 26 ऐड कर दो तो आपके पास 42 आ जाएगा, फिर से इसके अंदर आप 26 ऐड कर दो तो आपके पास यहाँ पर 8 बन जाएगा, जहाँ पर आपके पास 62 बन जाएगा। तो जो सारे के सारे आपको सेम ही है, आप यदि इसको भी डिवाइड करेंगे ना 26 के साथ, तब भी आपका रिमाइंडर 16 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर 16 आएगा, ठीक है। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका 60 आएगा, इसी प्रकार से इसके अंदर से माइनस करते चलो वो बैक आ जाएगा। सो दिस इज द रेजिड्यू सेट ऑफ 16, और जितने भी अंदर नंबर है वो सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रेंट है, और वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे। इसका ओनली एक ही इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है, एक ही इनकॉन्ग्रेंट सेट है, मीनिंग कोई और ऐसा सेट नहीं है हमारे पास, लाइक कोई 15, 14 कुछ और नंबर नहीं है जिसकी अलग से कॉन्ग्रेंट क्लास बने और वो इसका सोल्यूशन हो, नहीं है। तो दिस इज द ओनली वे। तो आज के लिए इतना करते हैं, और पहले वीडियो को पॉज करें और होमवर्क क्या आपका वो सुन ले ध्यान से, होमवर्क करें सुने, और मेरे को होमवर्क चाहिए आपका, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आंसर करना है कि सर हमारा होमवर्क डन हो चुका है, ठीक है। और होमवर्क के अंदर आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से करना। सबसे पहला होमवर्क क्या आपका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर 5 क्वेश्चन करवाए थे जिनके अंदर लिखा था कि इसका इतना इतना सोल्यूशन है, उनके अंदर जहां पर वन इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन था उसको आप ट्राई करना, ध्यान से सुनना, जहां पर वन इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन था, वन इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन उसको ध्यान से करना। जो आपके पास वन से ज्यादा इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है, वेट करना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक से ज्यादा इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको एक एग्जांपल के दौरान वो चीज़ दिखा दी थी कि कैसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें आइडिया होता है कि जैस जे भी सेटिस्फाई करेगा, जे भी सेटिस्फाई करेगा, जे भी सेटिस्फाई करेगा, उस प्रकार से आप डायरेक्ट कर पाएंगे यदि हमारे एक से ज़्यादा होंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने फाइंड करना है, सॉल्व करना है बेटा जी। एक ही क्वेश्चन दूंगा फिलहाल आपको, हमारे पास 64x है और ये कॉन्ग्रेंट है हमारे पास 83, ठीक है, और मॉड्यूलो हमारे पास है 105। एक ही क्वेश्चन है, फुल लेंथ होगी इस क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्व करिएगा, मेरे को बताना कि आपके पास कैसा आंसर इसका आ रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ पर यस, इसका जीसीडी तो 1 रहेगा, और जीसीडी 1 रहेगा तो आपके पास इसको ट्राई करना, ठीक है। सो एक प्यारी सी स्माइल करिएगा, और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते हैं वो भी बताइएगा, और हो सके तो थैंक यू कह सकते हो आप, थैंक यू वाहेगुरु जी, बिकॉज उन्हीं की कृपा के साथ हम अभी तक जहाँ तक पहुँच पाए हैं, एंड यू आर द मतलब वेरी गुड पर्सन, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स अच्छा है नंबर थ्योरी का, और ये नंबर थ्योरी के अंदर 44th वीडियो होगी। नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट जो हमारे पास है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, और ये क्रॉस कर जाएगी 60 वीडियो प्लस, ठीक है, आपके लिए। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ
कॉस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। बस आप ऐसे रिस्पॉन्स करते चलो, आप वीडियो को देखो, अच्छा लगा कंक्लूड करा, लाइक का बटन प्रेस करना, उसके बाद अच्छा लगा और लगा कि यार जैस कि हमें हेल्प हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अभी सर को भी हमने हेल्प करनी है, तो आपके पास नीचे एक न्यू फंक्शन आ रहा है आजकल, वो ऐसे हार्ट उट बना है, उसके अंदर पता नहीं ए लिखा पता नहीं ऐसे लिखा हुआ है, उसको कुछ एप्लॉज बोलते हैं, एप्लॉज पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने उसको भी चेक नहीं करा। वो एक आपके पास जैसे लाइक करते हो हार्ट के ऊपर, वही एक डॉलर का साइन बना हुआ है हार्ट लाइक करने के लिए। यदि आप चाहते हो मेरी हेल्प करना कुछ भी, तो आप उसके ऊपर एक बार क्लिक करके देखना, वहाँ पर आपको कुछ शो होगा, तो उसके अंदर कुछ है आपके पास जो आप परचेज़ कर सकते हो, हल्का सा कुछ भी। जैसे वो परचेज़ करेंगे आप सिंपल अपने क्रेडिट से कर सकते हो, उस प्रकार से आप मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी बहुत, जो भी आप करना चाहते हो जितना भी कम से कम आप कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, अपने मन पर हाथ रखकर ट्राई करना कि यदि आपको वाकई में कुछ फ़ायदा हुआ तो क्या आप इस चीज़ को चेक करना चाहेंगे कुछ ना कुछ। यस, मेरे को लगेगा कि आप में कुछ ना कुछ 1% तो लोग होंगे जो शायद इस प्रकार से सोचेंगे कि हाँ सर की हेल्प करनी है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आपके पास शेयर का बटन है उसके ऊपर प्रेस करो और इसको फैला दो अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल सब, ठीक है। और एंड लास्ट में टेक केयर एंड प्यारी सी स्माइल ऐसे बनाए रखें एंड खुश रहो। बाय बाय।